नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुपरस्टार शाहरुख खान का पाल्म रेड करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने और बहुत सारे व्यूवर ने कहा था कि शाहरुख खान के ऊपर आप कुछ बताइए, तो मैं उनके हाथ के ऊपर बताना चाहूँगा कि कैसे वो इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े डायरेक्टर और इतने सफल बिजनेसमैन बने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आप सभी को इतनी गहराई में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को इनके बारे में बहुत बखूबी से पता है। इनके हाथ में क्या क्या इंडिकेशन है वो देखते हैं, परंतु सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हाथ की रेखा चाहे जो भी हो, इंसान को उसके मेहनत के द्वारा ही हर चीज़ प्राप्त होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल शाहरुख खान है। अगर YouTube पे या फिर कहीं भी आप इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वीडियो भी ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको शाहरुख खान के ऊपर ही मिलेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा आपका समय गवाए बिना इनके हाथ के ऊपर कुछ विशेष बातें बताता हूँ। सबसे पहले इनका हाथ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्क्वेरिश इनका हैंड है, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्क्वेरिश हैंड जिसका होता है, ये वाकई बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। मेहनत से हिचकिचाने या डरने वाले नहीं होते और ज़्यादातर अपने लाइफ में अपनी मेहनत से ही सारे मुकाम हासिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, फिंगर के विषय में चर्चा करूँगा तो लिटिल फिंगर जो है यहाँ पे, ये लिटिल फिंगर होती है और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो बहुत ही यहाँ पे मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ये जो है ऊपर गया है। तो जब भी लिटिल फिंगर किसी की इतनी लंबाई लिए होती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक चल जाती है, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वही शर्मिलापन शायनेस भी नहीं होता है अपोजिट सेक्स के प्रति भी और समाज के प्रति भी, मतलब अपनी बात खुले तौर पर रखने वाले होते हैं, ज़्यादा हिचकिचाहट इनके मन में नहीं होती है। और यही एक प्रकार का सिंबल होता है जो बताता है कि ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस कर जाते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल जो हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए इनके और फिंगर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो थर्ड फिंगर है ये फर्स्ट फिंगर से ज़्यादा लेंथ लिए हुए है। थर्ड फिंगर जो है ये है, ये अपोलो फिंगर के रूप में होता है और ये थर्ड फिंगर हमारा सन फिंगर के रूप में भी देखा जाता है। और जो सन है ये हमारे फेम, पॉपुलैरिटी, इज्जत, मान सम्मान वगैरह के बारे में बताता है। तो जब भी किसी का थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर मतलब जुपिटर फिंगर से लंबा हो, तो ऐसे लोगों में बहुत अच्छी कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, मतलब कोई ना कोई एक बहुत अच्छा आर्ट होता है जिसके कारण ये लाइफ में बहुत अच्छा फेम और नेम हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिंगर के यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इस प्रकार की गठान मौजूद है यहाँ पे, इस प्रकार से, इसका भी इंडिकेशन ये होता है कि जब गठान प्रॉपरली दिखे या फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे किसी के क्या है कि इस प्रकार से क्रॉस के साइन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोग स्पष्ट रूप से लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। परंतु इनके केस में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत अच्छी यहाँ पे गठान बनती हुई दिख रही है और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो एंडिंग का भी जो साइज है यहाँ पे उसमें भी कोई रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी या कटी हुई नहीं है। तो देखा गया है कि ऐसे लोग स्पष्ट रूप से अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं और फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली जो इस प्रकार का गैप है, ये भी बता रहा है कि थोड़े जिद्दीपन स्वभाव इनके अंदर रहेगा। ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं और इंडिपेंडेंट अप्रोच, इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले होते हैं। तो फिंगर से इस प्रकार से इनके नेचर के बारे में बेसिकली पता चला सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि इस तिल पे ये फोकस करना चाहूँगा, ये जो तिल है ये राहु के ऊपर है। राहु का जो एरिया होता है आपको बीच में, ये जो एरिया है ये राहु का एरिया है, और जब भी राहु के एरिया में इस प्रकार से तिल होता है ये बहुत शुभ कार्य माना गया है। और केतु का एरिया भी जो है नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे नीचे में, तो राहु और केतु पर जब तिल बैठता है तो बहुत अच्छा होता है। अचानक से भाग्य उन्नति, प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। अचानक से कुछ ऐसी घटना जीवन में होती है जिसके कारण पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल इनके लाइफ लाइन से भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन के विषय में बताना चाहूँगा कि लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से पहले चल रही थी, लेकिन सडनली थोड़ा सा चेंज होते हुए फिर एक और रेखा यहाँ से उत्पन्न हुई है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि तकरीबन 30 से लेकर 35 के एज के बीच में बहुत बढ़िया कुछ चेंजेस आए थे लाइफ में, जिसके कारण लाइफ लाइन भी चेंज हुई, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आया था, जिसके कारण ये रिच हो गए थे, अमीर हो गए थे, फेम पॉपुलैरिटी मिल गया था और संपन्न हो गए थे। तो राहु इस प्रकार के इंडिकेशन दे रहा है।
इसके अलावा माइंड लाइन के विषय में चर्चा किया जाए तो माइंड लाइन इस प्रकार से कुछ इनकी गई है एक, और तो देखा जाए तो माइंड लाइन कुल मिला के स्ट्रेट है। तो जिनकी माइंड लाइन इस प्रकार से स्ट्रेट होती है, ये ऐसे लोग अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब ये है कि लोगों के सामने जैसे दिख गया है कि सीधी बात अपनी रखते हैं, वहीं सीधा साधा जो सोचते हैं उसके ऊपर कर्म भी करते हैं। दूसरे लोगों के जैसा इनके साथ नहीं रहने वाला है कि इस प्रकार से जब रेखा नीचे की ओर चल जाती है चंद्र की तरफ, तो ऐसे लोग कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे हुए होते हैं। लेकिन इनके केस में ये नहीं है, इनके केस में एक सीधी रेखा यहाँ पर मौजूद है जो बता रहा है कि ऐसे लोग जो भी सोचते हैं तकरीबन हर काम को करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल थिंक थोड़ी ज़्यादा ऐसे लोगों में पाई गई है। इसके अलावा हर्ट लाइन, हृदय रेखा के विषय में चर्चा किया जाए तो हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से चलते हुए विष्णु सिंबल बनाते हुए यहाँ पे गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि विष्णु सिंबल का मीनिंग ये होता है कि ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन में थोड़ा ज़्यादा कष्ट होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या फिर जैसे जैसे किसी भी काम को लेकर के टाइम पीरियड बढ़ता है, वैसे वैसे बहुत अच्छा सक्सेस, नेम, फेम मिलता है। और ऐसे लोगों को हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी गलत ढंग से पैसा ना कमाएं, ये फलता फूलता नहीं है, अपनी मेहनत से ही कमाएं। तो ये शाहरुख खान भी जो है अपनी मेहनत से, या जो भी बने हैं सब अपनी मेहनत से, जो कि जिसके कारण इनका पैसा भी खूब फला फूला है। इसके अलावा यहाँ पर लक के विषय में चर्चा किया जाए तो देख सकता हूँ मैं कि यहाँ पर इनके हाथ में 2 लक से 3 लक मुझे दिख रहा है। एक ये मून के एरिया से इस प्रकार से निकलते हुए आया है यहाँ पर, ये जो है मून का एरिया होता है चंद्रमा का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चंद्रमा लक क्या होता है, मून लक क्या होता है। जब भी किसी के हाथ में मून लक होता है तो ऐसे लोगों को वुमेन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और बाहरी दुनिया का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो मून है वो हमें विदेशी भूमि के बारे में बताता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही इंडिकेशन है कि इनका इनकी मदर के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा है और उनका सपोर्ट भी इनके ऊपर बहुत अच्छा रहा है, और ऐसे लोगों का शादी के बाद भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है। खासकर विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छा लाभ और दूसरों का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण फेम पॉपुलैरिटी बढ़ने के चांसेस भी विदेशी भूमि से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो लक है इसका भी एक एज होता है जिससे आसानी से मेजर कर लिया जा सकता है कि इसमें एज मौजूद है। तो ये जो लक है ये कुछ थोड़ी सी देरी से स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन 24-25 के एज पर आकर के ये लक स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद से बहुत अच्छा फेम पॉपुलैरिटी या शादी का योग बना होगा जिसके बाद से ये लक उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा एक बिजनेस लक भी यहाँ मौजूद है जिसे कहा जाता है। इस प्रकार से छोटी सी रेखा इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ तक गई है, और इसका सीधा सीधा इंडिकेशन जो है मरकरी, ये जो है मरकरी का एरिया है, मरकरी की तरफ है। मरकरी जो है बुध जो है हमें हमारे बिजनेस के बारे में, साइंस के बारे में, हमारे बुद्धि के विवेचना के बारे में बताता है। तो ये रेखा सीधी सीधी बता रही है कि बुध लक इनके हाथ में मौजूद है, जो कि इन्हें बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस दिलाएगा, जिसके कारण ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही कामयाब हुए हैं। और अगर देखा जाए तो बिजनेस लाइन के द्वारा ही इनके हाथ में मनी ट्रायंगल का भी थोड़ा रूप मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार से ये यहाँ पर लाइफ लाइन है, ये इस प्रकार से माइंड लाइन थोड़ा गया हुआ है, और इस प्रकार से जो छोटा सा यहाँ पर इस प्रकार से लक गया हुआ है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल के रूप में इनके हाथ में थोड़ा दिख रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो ये जो तिल है ये बहुत भाग्यशाली है, जो इनको इनकी मेहनत को बहुत अच्छे रंग लेकर के आएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है देख सकते हैं, प्रॉपरली इस इमेज में नहीं दिख पा रहा है, परंतु जितनी कोशिश हो रही है मैं बता रहा हूँ इसमें, कि देख सकते हैं कि थंब के ऊपर इस प्रकार का जो यव का चिन्ह बनता है, इसे यव का चिन्ह कहा जाता है। तो जब भी थंब के ऊपर किसी के इस प्रकार से यव का चिन्ह बनता है, तो ऐसे जो लोग हैं धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन जो भी हो, इसके प्रति बहुत आदर सम्मान और आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है, और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ शुक्र जो है, शुक्र पर्वत भी बहुत उभरा हुआ है, जो बता रहा है कि लग्जरी स्कूल में ला के इनके लाइफ अच्छी रहने वाली है, सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी, और इसमें आड़ी रेखाएं नहीं हैं जो कि अनावश्यक चिंता की रेखा होती हैं। जब भी किसी के हाथ में इस प्रकार से शुक्र उभरा हुआ हो और आड़ी रेखा ना हो, तो बहुत ही शुभ शुभ संकेत माना जाता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र हमें एंटरटेनमेंट, दुनिया, लग्जरी, इन सब के बारे में बताता है, स्त्री के बारे में बताता है। तो ये जब शुभ हो तो इन सब से बहुत अच्छा लाभ का योग बनता है, जो कि इनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी सब दिलाया है। इसके अलावा चंद्रमा के विषय में भी चर्चा किया जाए तो चंद्रमा भी जो है उभरा हुआ है, जो कि बाहरी दुनिया से सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे जो सूर्य है ये भी उभरा हुआ है, जो कि फेम पॉपुलैरिटी के लिए देखा जाता है। तो तकरीबन जितनी हाथ की रेखाओं में इनके बारे में पता लग सकता था, सब मैंने कोशिश किया,
इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न रह गया हो या कुछ और जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।